तो हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, पीसीएस 2024 सामान्य विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो उष्मा हो गया था। उष्मा के बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, तरंग गति आता है। क्या आता है? तरंग गति। तो देखिए तरंग गति का हम कॉन्सेप्ट पर सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आएगा, निम्न में कौन सा यांत्रिक तरंगे हैं? तो इसमें कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे हैं। क्या दोस्तों? ध्वनि तरंगे। देखिए उपयुक्त विकल्पों में ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, जबकि रेडियो तरंगे यक्ष तरंगे तथा प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम से उत्पन्न हुआ विक्षोभ है, जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगे माध्यमों के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संरक्षण करती है, परंतु माध्यम अपने स्थान पर बना रहता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल से होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की आयन मंडल से परावर्तित होती है। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है और यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। अगला देखिए, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो आयनोस्फीयर द्वारा। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा उत्तरदायित्व होता है? तो आयन मंडल है। क्या है दोस्तों? आयन मंडल। कौन सा तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकता है? ध्वनि। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर देखिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती है। यह कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। वहां दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें को नहीं सुन सकते हैं। तरंग संचरण दो प्रकार से होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगी होती है। अगला देखिए, कास्मिक किरणें क्या होती है? आवेशित कण होती है। कास्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, यह उच्च ऊर्जा की आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है कि कास्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, गलत है। उनकी तरंगे बहुत छोटी होती है, सही है दोस्तों। अगला देखिए, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होती है। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है कि परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचरित की जाती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है? परा उच्च आवृत्ति ये तरंगे साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित की जाती है। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगे तथा सूक्ष्म तरंगों का भी संचरण किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणें लाया जाता है। किसको लाया जाता है? एक्स किरणें। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक रडार जो शत्रु की वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगे। अगला देखिए, यहाँ पे जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 10^-7 m। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि से उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे क्या होती है? माइक्रोवेव। अगला देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। तीसरा है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। 1, 2, 3। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास क्या होता है? 88 से 108 मेगावाट्स के हर्ट्स में। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आंतों के रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? यक्ष किरण। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यक्ष किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। अगला देखिए दोस्तों, CT स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार की यक्ष किरण परीक्षण है, जिसके द्वारा शरीर की अंदरूनी अंगों को देख या रोगी का पता लगाया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर देखिए कि पहले नंबर पे जल है, दूसरे नंबर पे इस्पात, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम क्या है? तीसरा, पहला, दूसरा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? धातु में होता है। और ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? इस्पात में। किसमें होता है? इस्पात में। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है
कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन क्या होता है ठोस में, यदि वी ए वी डब्ल्यू वी एस क्रमशः वायु जल इस्पात की ध्वनि गति करती है तो वी ए वी डब्ल्यू वी एस। अगला देखिए दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सी के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, लोहा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्वनि तरंगे क्या होती है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य में, क्या होती है अनुदैर्ध्य में। अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, निर्वात में। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। और यहाँ पर दिया हुआ है कि म्यूजियम कंटर्स के लिए एक हाल के दीवारों को क्या कहा जाता है, ध्वनि का अवशेष करना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से प्रतिदिन सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य से कम दूरी होनी चाहिए, वह क्या है 16.5 मीटर। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकता है, 17 मीटर। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा के धरातल पे दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यय तरंगों के रूप में प्रभावी होता है, तो न तो एक न तो दो। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये कीड़े को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों की धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, और वह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, सभी विकल्प सही है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक होती है। अगला देखिए, मनुष्य की श्रव्य की सीमा कितनी होती है, 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़। अगला देखिए, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, कौन है, सोनोग्राफी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है, इसका कारण क्या है, वे पराध्वनि तरंगें निकलती हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्वनि की गति गैस द्रव और ठोस की तुलना में ये गलत है। अगला देखिए, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग कर लाते हैं, ये भी सही है। पराश्रव्य में ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज़ से अधिक होती है, ये भी सही है, तो इसमें क्या सही है, 1, 3, 4। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के क्या कारण हो सकते हैं, ओजोन लेयर में बाधा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो कथन देखिए क्या है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जो रहे वायुवान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुवान की चाल अधिक होती है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या, ध्वनि की गति परावर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती, तो ये गलत है, आर सही है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेसीबल किसे मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है, वातावरण ध्वनि में। अगला देखिए, यहाँ पर डेसीबल की इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता नापने में। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, डेसीबल की इकाई का प्रयोग जिनके मापन में होता है वो क्या है, ध्वनि की तीव्रता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उन्हें कितने डेसिमल की उत्पन्न होती है, लगभग 30 डेसिमल। अगला देखिए, फुसफुसाहट क्या होता है, 15 से 20, साधारण बातचीत 30 से 60, और गुस्से में बातचीत 70 से 80। फिर देखिए, यहाँ पे क्या है, ट्रक और मोटरसाइकिल 90 से 95, यंत्र कारखाने 100 से 110, आर्केस्ट्रा 110 से 120, जेट विमान 140 से 50। अगला देखिए दोस्तों, 100 डेसिबल का रौ प्रबलता स्तर संगत होगा यंत्र कारखानों के शोर से। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित व्यक्ति को प्रदूषित स्तर 45 dB। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि मनुष्यों के लिए शोर की सीमा करीब करीब कितनी होती है, 85 डेसिबल। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, किस स्तर से अधिक ध्वनि की हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, 80 dB। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, 60 dB है दोस्तों। अगला देखिए, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ियों की आवाज़ को सुनता है तो उसे दो बार अपनी आवाज़ सुनाई देती है, इसका कारण क्या है,
ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जब सितार और बांसुरी का एक ही स्वर बजाया जाता है तो उससे उत्पन्न व्यक्ति का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, तो केवल ध्वनि गुणता के लिए। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघर तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होते हैं। दीवारों पर छत छत एवं धरातल से अपर्त ध्वनि परावर्तन हो सका, तो ER दोनों सही है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से संयुक्त संगति स्वर ग्राम, जिसे द्विटोटनी स्वर ग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है, ये गलत है। स्वर सा आवृत्ति 256 SG होती है और स्वर भी अरे स्वर न की आवृत्ति S12 पर होती है, तो इसमें केवल न तो एक न तो दो। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, रेडियो तरंगों की। देखिए यहाँ पर दिया है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल निम्नलिखित विकिरणों की तरंग दर्ध के संदर्भ में आरोही क्रम सबसे ज़्यादा रेडियो की, फिर माइक्रोवेव की, फिर नवरक्त विकिरणें, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनिक विकिरणें, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है कि TV सीट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का TV रिमोट नियंत्रण इकाई का प्रयोग किया जाता, तो रेडियो तरंगे। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि सामान्य TV रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे क्या होती है, अवरक्त किरणें होती हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता, अवरक्त। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, अवरक्त। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, अवरक्त। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि TV का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और द्रव्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलम द्वारा। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या है, आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है और इसे स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहनों की तरंग की आवृत्ति 10 SG है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि कथन और कारण, यहाँ पर देखिए रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, गलत है। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय, ऊपर दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार सही है, तो ई गलत है, आर सही है। तो दोस्तों देखिए, आज आपका एक चैप्टर साइंस मैंने ख़त्म कर दिया दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।